उमना किचन व्लॉग के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज ये सारी सजावट, ये कार्ड्स और फूल, बच्चों ने जो भी हमारे लिए ये सब किया, आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ये कि ये सेलिब्रेट इतना क्यों किया गया। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मेरा दूसरा चैनल था कारिया मेमूना, वो मोनेटाइज हो गया था, पिछली वीडियोस जो है वो मैंने डाली थी, आज उसकी खुशी में जो है पार्टी की जा रही थी और पार्टी में बच्चों ने क्या क्या किया ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारा दिन उन बच्चों ने क्या मेहनतें की, उनके दिल की क्या फीलिंग्स थी और क्या वो बच्चे जज्बात रखते हैं अपने मामा बाबा के बारे में। जब मामा बाबा को थोड़ी सी खुशी मिली तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे भी कुछ इसी तरह बहुत ज़्यादा खुश थे। पिज़्ज़ा मंगवाया था और केक भी हमने उसके ऊपर वही सब लिखवाया, क्योंकि कारिया मेमूना चैनल था तो बच्चों ने देख लें केक पर भी वही लिखवाया हुआ है बाबा के साथ फरमाइश करके। ये यकीनन देखने में इस तरह लगता है लेकिन छोटे छोटे हाथों से कैसे मेरे बच्चों ने गुब्बारे फुलाए अपनी सांसों में। हस्बैंड कितना खुश है, ज़ाहिर बात है करते हैं तो उसका जब फल मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स मेहनत हैं सब समझ देख सकते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये देख लें कार्ड भी तैयार हो रहे हैं, लिखाइयाँ हो रही हैं, अपनी जो भी इन्होंने खर्चियाँ जमा की हुई थी उनसे ये सब किया। और मैं तो पढ़ाने थी, मुझे इन्होंने घर से कहा कि आप आज ना हो, जब आप आएंगे तो आपको सब कुछ जो है ना वो सेट मिलेगा। तो स्टोरी मैं आपको सुना रही थी छोटी सी। बादशाह ने अपने रियाया से पूछा कि कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है, औलाद या माँ बाप। तो उसके लिए उसने एक जैसे आइडिया होता है वो किया कि दो अनार लाए जाएं और बेटा और बाप को भी बुलाया गया और कहा गया कि ये अनार छीलकर अपनी औलाद को खिलाओ और बेटे को कहा कि आप ये छीलकर अपने बाबा को खिलाओ। बाप ने वो अनार जो है छीला और अपने बेटे को खिला दिया। बेटे ने भी चुपचाप खा लिया, इतनी आवाम देख रही थी। अब जब बेटे की बारी आई खिलाने की तो उसने अनार छीला और एक दाना जो है अपने मुंह में डाल लिया। तो बाप ने उस बच्चे को थप्पड़ रसीद कर दिया, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने उनको अपने पास बुला लिया और पूछा कि ये माजरा क्या है। असल में वो दिखाना चाहता था कि आप अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या औलाद आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब बेटे से पूछा गया कि आपने अनार छीलकर अपने मुंह में क्यों डाला तो वो कहने लगा कि अब्बा ने जो अनार मुझे खिलाया तो वो सारा जो है खट्टा था और जब मुझे हुक्म दिया गया कि अब अनार छीलकर आप अपने अब्बा के मुंह में डालो तो मैंने अनार का जो दाना अपने मुंह में डाला, इसीलिए डाला कि मैं पहले चख लूँ कि ये अनार मीठा है या खट्टा है। अब देखें वालिद ने कैसा गलत किया कि उसने एक थप्पड़ बच्चे को दे दिया। तो इससे इस वाक्य से पता लगता है कि औलाद जो है वो अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करती है, ये सिर्फ हमारी तरबियत पर होता है। मेरे बच्चों ने ये देखें मेरे लिए गिफ्ट्स रखे हुए थे और इतना ज़्यादा कमरे को सेलिब्रेट वो सजाया हुआ था, सब कुछ इतना अच्छा था कि बयान से बाहर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बहन भाइयों से अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करें और ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं आपकी फ़ैमिली की ये बरकरार रखें।
मेरी इस खुशी में मेरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरा जब चैनल मोनो हुआ तो मेरी हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हमने ये जो छोटा चैनल बनाया हुआ है उमना किचन व्लॉग, इसमें इसी तरह की मज़ीद शेयरिंग वीडियोस आप तक आती रहेंगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।